जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं। आज त्रयोदशी है, भोले बाबा का दिन है, भोले शंकर का दिन है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले शंकर अति शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को तुरंत पूरी करते हैं। तो उन्हीं का एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस उपाय को जो कोई भी व्यक्ति करेगा उसकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। कई ऐसी इच्छाएं व्यक्ति के भीतर होती हैं जो लंबे समय से पड़ी होती हैं और जो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए, इन मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति कई तरह के प्रयत्न करता है, कई काम करता है, न करने वाले काम भी कर लेता है, लेकिन फिर भी ये मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। ये मनोकामना किसी भी तरह की हो सकती है। किसी व्यक्ति की ऐसी है कि बच्चों की शादी ब्याह हो जाए, किसी की खुद की शादी ब्याह की इच्छा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, किसी की घर मकान गाड़ी बंगले की पैसे टके की भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा होती है। कई लोग इस समय ऐसे हैं जिनके बहुत कर्ज हो गया है तो कर्ज उतारने की इच्छा होती है। तरह तरह की ऐसी मनोकामनाएं कि जो लंबे समय से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लड़के बच्चे नहीं हैं तो ऐसी इच्छाएँ होती हैं। तो कई ऐसी इच्छाएँ कि जो व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं हैं कि जो पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती हैं। तो आज के दिन यदि व्यक्ति ये उपाय करता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी होगी। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय कि जिससे आपकी हर मनोकामना, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी तक की कोई भी मनोकामना होगी, वो तुरंत पूरी होगी। तो दोस्तों, त्रयोदशी के दिन क्या करें कि शिवालय में जाएँ, शिव मंदिर में जाएँ और शिव मंदिर में जाकर के शिव चालीसा का पाठ करें। हर त्रयोदशी को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत शुभ होता है, व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ क्या करें कि शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर अपनी मनोकामना लिख दें, चंदन से अपनी मनोकामना लिख दें। इसके नीचे आप ओम बना दें और उसके नीचे जो सीधा भाग होता है वहाँ पर त्रिपुंड बना दें। त्रयोदशी के दिन ये उपाय किया करें, आपकी चाहे कितनी ही बड़ी, जो असंभव लगने वाली आपकी जो मनोकामना होगी, वो मनोकामना भी ये उपाय करने से पूरी होगी। तो दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई इच्छा है, ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत बड़ी है और आपको स्वयं को ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप इनसे मदद करें, इनसे प्रार्थना करें, आपकी वो मनोकामना तुरंत पूरी होगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।